सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पावर चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल पावर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन का फोटो चेंज करके अपना फोटो लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी रूट के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे लगा लेते हो तो आपका व्हाट्सएप जो है सबसे अलग दिखेगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपना फोटो लगा सकते हैं, जिससे आपका व्हाट्सएप जो है सभी लोगों से अलग दिखेगा और काफी कूल दिखेगा। अगर जानना चाहते हो व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपना फोटो कैसे लगाया जाता है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और सबसे पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके अपने मोबाइल में जो भी व्हाट्सएप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करा था या किसी भी जगह से, सबसे पहले अपना व्हाट्सएप जो अपने मोबाइल से डिलीट कर लीजिए पुराना व्हाट्सएप। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक न्यू व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने से पहले दोस्तों, जो आपके मोबाइल में पहले से व्हाट्सएप है पुराना वाला, उसे डिलीट कर लीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके न्यू व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पुराना व्हाट्सएप डिलीट करने के बाद जो आपका पूरा चैट डिलीट हो जाएगा, जो आपने किसी से करा था या व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं वो डिलीट हो जाएगा, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको बैकअप ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, बैकअप लेने के लिए व्हाट्सएप पे चले जाइए और 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ चैट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे चैट बैकअप है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे बैकअप पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जितना भी चैट है आपके व्हाट्सएप में पुराने व्हाट्सएप में, वो सभी के सभी बैकअप आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप न्यू व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते अपने मोबाइल में पुराना डिलीट करके, तो दोस्तों आपका जितना भी मैसेज था सभी वापस आ जाएगा आपके न्यू व्हाट्सएप में। तो जाके आप आसानी से ये कर लीजिए। उसके बाद जो दोस्तों, न्यू व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और ऊपर जो देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना दोस्तों, जिसके बाद आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपना फोटो लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा और यूनिक दिखेगा आपका व्हाट्सएप और सभी लोगों से अलग भी दिखेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यूनिवर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऊपर में कलर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते 3 ऑप्शन है, तो नीचे में जो फोटो का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका गैलरी खुल जाएगा और जो फोटो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर दिया हूँ, अब यहाँ पे जो है ये सेट हो जाएगा। तो नीचे सेट पे क्लिक कर देना और बैक कर लेना अपने मोबाइल को। तो व्हाट्सएप का जो होम स्क्रीन है उस पर आपका फोटो लग जाएगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लग चुका है और काफ़ी यूनिक दिख रहा है आपका व्हाट्सएप का जो होम स्क्रीन है, काफ़ी यूनिक दिख रहा है। तो आप जो है यहाँ पे अपना फोटो लगा सकते हैं गैलरी से। मैंने किसी और का फोटो लगा दिया हूँ और फिर से मैं करके दिखा देता हूँ दूसरा फोटो लगा के। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स पे क्लिक करना ऑप्शन पे, उसके बाद ऊपर कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना और 3rd नंबर का ऑप्शन है बैकग्राउंड, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे 3 नंबर पे फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका गैलरी जो ओपन हो जाएगा और यहाँ से अपना फोटो चूज कर सकते हैं जो भी डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा कोई इमेज डाल देता हूँ, तो ये वाला इमेज मैं सेलेक्ट करके सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है इमेज लग चुका है, तो मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे जो है दूसरा इमेज भी लग चुका है, जो कि मेरे गैलरी से मैंने लगाया अभी। तो देख सकते हैं काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग दिख रहा है सभी लोगों से आपका व्हाट्सएप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। आप आसानी से व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं जो भी आप चाहें। और दोस्तों, फोटो लगाने के बाद जो ये टेक्स्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, जो भी कॉन्टैक्ट में आपका नाम है या जिसको मैसेज आपने भेजा है, तो उसको अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो 3 डॉट पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पे होम स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और कलर पे चले जाइए। कलर पे जाने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए चैट का ऑप्शन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कलर को जो है चेंज कर दीजिए, जिससे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट। अब दोस्तों, कॉन्टैक्ट में जो नाम है व्हाट्सएप चैट में, तो उसका भी कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है हरा डाल देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसा कलर जो है दिखता है। तो बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं नाम जो है हरा कलर में आ चुका है और जो जो मैसेज था वो जो है व्हाइट कलर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह जो आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे कोई भी फोटो लगा सकते हैं अपना, जिससे काफ़ी अच्छा लुक लगेगा देखने में और सभी लोगों से अलग लगेगा आपका व्हाट्सएप। और आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएंगे अपना व्हाट्सएप का ये होम स्क्रीन, तो दोस्तों वो भी चौंक जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपने ये कैसे किया। और वो जो है अपने व्हाट्सएप के सेटिंग में जाएगा, तभी भी ये सेटिंग उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये न्यू व्हाट्सएप में ही मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट आईटी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।